بسم الله الرحمن الرحيم. exercise 4.4 question number 7. अच्छा question number 7 में है the vertices of the triangle are given. ठीक है, तीन vertices जो हैं एक triangle के वो given हैं. वो vertices मैं लिख देता हूँ. A vertex है उसके coordinates हैं -2, 3 और B vertex है उसके coordinates भी given हैं -4, 1 और C vertex जो है उसके coordinates भी given हैं 3, 5. सही. अच्छा अभी हमें फाइंड करने को क्या कहा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड, मतलब कि सेंट्रोइड के आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, सर्कम सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल उसके भी आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, और चौथा पार्ट ये आर दीज थ्री पॉइंट्स कोलिनियर. क्या ये तीनों जो सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर जो है तीनों कोलिनियर हैं या नहीं है, ये चीजें हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है. अच्छा तो सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड सेंट्रोइड होता है कंकरेंट पॉइंट उसका जो ट्राइंगल के मीडियंस. मैं इधर बना देता हूँ, ये एक ट्राइंगल है ठीक है, तो इसके मीडियंस ट्राइंगल ए बी सी, इसके जो मीडियंस है, मीडियंस क्या होता है मिड पॉइंट, ये मीडियम मिड पॉइंट ये है, ये मिड पॉइंट है ठीक है, ये मिड पॉइंट हर साइड का मिड पॉइंट जो है अगर उसको उसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर दिया जाए तो वो मीडियंस बन जाते हैं. सही है, तो ये मीडियंस जो हैं अगर इस पॉइंट पे सेम पॉइंट पे जो मीट कर रहे हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो ठीक है, तो वो पॉइंट कहलाता है सर, ये सेंट्रोइड कहलाता है ठीक है. इसको हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को सेंट्रोइड ठीक है, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंट्रोइड पॉइंट कहलाएगा. अच्छा अब सेंट्रोइड तो ये हो गया, तो सेंट्रोइड हमने उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे. अब उसके लिए हमारे पास इसकी इक्वेशन चाहिए होगी ठीक है, इस मीडियन की, एडी मीडियन की ठीक है, और इसका नाम अगर मैं रख देता हूँ बीई, इसका इस बीई की इक्वेशन चाहिए होगी और सी एफ की इक्वेशन चाहिए होगी, ताकि हम फिर उन तीनों इक्वेशंस को जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट करें ठीक है, तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके जो है जो पॉइंट मिलेगा वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उनका, और वो ही सेंट्रोइड पॉइंट है ठीक है, इस तरह से हम फाइंड करेंगे. अच्छा अब सेंट्रोइड के लिए पहले तो हमें इक्वेशंस चाहिए ठीक है, तो इक्वेशंस हम पहले फाइंड करेंगे, तो उसके लिए पहले हमें इक्वेशन से भी पहले हमें ये मिड पॉइंट भी तो पता होना चाहिए ना, ये वाला मिड पॉइंट हर साइड का मिड पॉइंट, तो हम मिड पॉइंट पहले फाइंड कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट डी, मिड पॉइंट डी, डी किसका मिड पॉइंट है, बी सी का ऑफ साइड बीसी ठीक है, तो कैसे आएगा मिड पॉइंट फार्मूला से, तो मिड पॉइंट फार्मूला आपको पहले भी पढ़ाया गया एक्सरसाइज 4.1 में 4.2 में ठीक है, तो वही हम यूज करेंगे, तो हमारे पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जो कि ये होगा ठीक है. इसी तरह से हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एसी, एसी के ऊपर मिड पॉइंट कौन सा है, एसी के ऊपर ई मिड पॉइंट है ठीक है, तो ई पॉइंट बनता है, हाँ ई पॉइंट बनता है ठीक है, उसके आएंगे कोऑर्डिनेट्स 1, 2, 4, ये किस तरह आएंगे, हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे ए पॉइंट और सी पॉइंट पे ठीक है, उसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे. इसी तरह से फिर हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ, बल्कि हम दो ही फाइंड कर लेते हैं उनका, दो एक दो मीडियंस के जो है हम इक्वेशंस फाइंड कर लेते हैं ठीक है, किसी भी दो हम
जो है मीडियंस की इक्वेशन अगर फाइंड कर लेंगे दोनों को आपस में सॉल्व करें तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे सेंट्रोइड के, तो हम इन्हीं दो के ले लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मीडियन हम पहले निकाल लेते हैं, हर एक मीडियन की बल्कि दो मीडियन की इक्वेशन हम फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम मीडियन ए डी की हम फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ मीडियन ए डी। ए डी मीडियन कौन सा बन रहा है, ये ए से लेकर डी। ठीक है, डी पॉइंट हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया, तो ए डी दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं ए डी मीडियन के ऊपर जो लाई कर रहे हैं। ए पॉइंट भी ए डी मीडियन पे लाई कर रहा है, डी पॉइंट भी ए डी मीडियन पे लाई कर रहा है। इन दो पॉइंट्स के थ्रू हम ए डी की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो दो पॉइंट से हम किस तरह फाइंड करते हैं, वाई माइनस थ्री ओवर थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स माइनस इंटू माइनस टू डिवाइडेड बाय माइनस वन बाय टू माइनस इंटू माइनस टू। सही, इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप इक्वेशन दूसरी तरह से फाइंड कर सकते हैं कि दो पॉइंट्स आपके पास हैं, सही, तो उससे आप स्लोप भी फाइंड कर लें, फिर कोई सा भी एक पॉइंट यूज करके आप उसकी इक्वेशन फाइंड कर लें। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में पुट करके, तो मैंने इस टू पॉइंट से मैंने इसकी इक्वेशन फाइंड की है। ठीक है, जो कि इक्वेशन बनेगी y माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो या y इज इक्वल टू थ्री। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई ए डी मीडियन की। अच्छा, इसी तरह से अब मैंने इक्वेशन फाइंड करनी है मीडियन, कौन से मीडियम की, बी ई मीडियम की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मीडियन बी ई। ठीक है, ई जो था वो मिड पॉइंट था जो कि हमने मिड पॉइंट फार्मूला से फाइंड किया। अब बी ई मीडियन हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हमारे पास बी जो है वो गिवन है, ई हम फाइंड कर चुके हैं, ये दो पॉइंट्स आ गए जो कि बी ई मीडियन के ऊपर लाई करते हैं, तो इससे हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम इक्वेशन फाइंड करते हैं, y माइनस वन ओवर फोर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस इंटू माइनस फोर डिवाइडेड बाय वन बाय टू माइनस इंटू माइनस फोर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो बनेगी नाइन वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस ट्वेंटी फोर। और मजीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस इलेवन इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन हमारे पास बनगी दूसरे मीडियम की। ठीक है, और पहले मीडियम की इक्वेशन हमारे पास ये है। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों मीडियंस की इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना, क्योंकि हमने वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है ना इन दोनों मीडियंस का। ठीक है, तो दो मीडियंस जो है वो लाइन है दो। ठीक है, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट दो लाइन का कैसे निकालते हैं, दोनों लाइन को आपस में सॉल्व करते हैं। सही है, तो दोनों लाइन को हम सॉल्व करते हैं, तो एक तो लाइन थी फर्स्ट जो है y इज इक्वल टू थ्री। ठीक है, y इज इक्वल टू थ्री है ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू थ्री है इसमें y की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन टू। सही, तो ये बन जाएगा टू एक्स माइनस थ्री इंटू वाई, वाई है थ्री प्लस इलेवन इज इक्वल टू जीरो। सही, तो ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, x के लिए 2x माइनस 9 प्लस 11 इज इक्वल टू जीरो बन गया, तो 2x या 11 माइनस 9 माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, 2x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 2, तो मतलब कि x इज इक्वल टू बन गया माइनस 1। सही है, तो x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, अब हमने y की वैल्यू हमारे पास पहले से गिवन है। ठीक है, y इज इक्वल टू 3 जो इक्वेशन में गिवन थी, ये y इज इक्वल टू 3, ये पॉइंट बन गया कंकरेंट पॉइंट जो कि सेंट्रॉइड है। ठीक है, क्या माइनस वन कॉमा थ्री ये पॉइंट है सेंट्रॉइड, इन दोनों लाइंस जो दोनों मीडियन जहां पर कट कर रहे थे। ठीक है, बी ई मीडियन और ए डी मीडियन यहाँ पर कट कर रहे थे, ये पॉइंट सेंट्रॉइड पॉइंट है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं माइनस वन कॉमा थ्री, ये है सेंट्रॉइड पॉइंट। सही, ये हमें फाइंड करना था इस पार्ट में। अच्छा, अब इसका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है कि आपने ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। ठीक है,
ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। अच्छा ऑर्थो सेंटर क्या होता है? अल्टीट्यूड जो ट्रायंगल के बनते हैं ना, ठीक है, वो जहां पर इंटरसेक्ट करे होते हैं उसको, उस पॉइंट को कहते हैं ऑर्थो सेंटर। मतलब कि ये एक अगर ट्रायंगल है, ठीक है, इसके आल्टीट्यूड्स, आल्टीट्यूड्स हम पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे हम बनाते हैं आल्टीट्यूड्स, ठीक है। इस वर्टेक्स से अगर ये ए बी सी ये ट्रायंगल है, ठीक है, इस वर्टेक्स से अगर मैं इसके ऑपोजिट साइड पे जो साइड बन रही है उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो ये आल्टीट्यूड बन जाता है, ठीक है, ये बन गया सी डी। और इससे मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये बन जाएगा ये, ठीक है, आल्टीट्यूड। और फिर तीसरी वर्टेक्स से मैं ड्रॉ करता हूँ आल्टीट्यूड, ये सब 90 डिग्री एंगल बनाते हैं इनके साथ, सही। तो ये पॉइंट जो बनता है जहां पर ये तीनों आल्टीट्यूड्स आपस में कट कर रहे हैं, इस पॉइंट को कहते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ये पॉइंट कहलाता है ऑर्थो सेंटर, सही। अच्छा अब हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड की यही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ऑर्थो सेंटर के, ठीक है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? हमें जैसे कि पता है कि ये इस लाइन की इक्वेशन हम फाइंड करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन मतलब कि आल्टीट्यूड की इक्वेशन हम फाइंड कर लेंगे, उनको आपस में सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इस पॉइंट के, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा उनका। तो आल्टीट्यूड्स की इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? देखें आल्टीट्यूड्स की इक्वेशन हम पहले भी एक ट्रायंगल में फाइंड कर चुके हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन में हमें गिवन थी एक ट्रायंगल, उसके हमने आल्टीट्यूड्स की इक्वेशन फाइंड करनी थी। तो वो हमने कैसे फाइंड की थी कि हमारे पास एक तो ये पॉइंट जो है आल्टीट्यूड के ऊपर लाई कर रहा है वो गिवन है। अगर इस सी डी जो आल्टीट्यूड की बात करें तो इस ये पॉइंट जो आल्टीट्यूड सी डी के ऊपर लाइक कर रहा है वो हमें पता है, और दूसरा जो है कि ये आल्टीट्यूड इस लाइन इस साइड से जो है वो क्या है परपेंडिकुलर है, मतलब ए बी के परपेंडिकुलर है, मतलब कि हम ए बी की स्लोप निकाल लें, ए बी की स्लोप निकाल लें तो उसकी जो है उसका प्रोडक्ट लें इसकी स्लोप के साथ तो इज इक्वल टू -1 होगा, उस इक्वेशन से हम इसकी स्लोप निकालेंगे। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम सी डी की जो है इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, सही है। तो हम पहले क्या करते हैं कि स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करते हैं, बी सी ये स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ बी सी, बी सी की स्लोप कैसे आएगी? सी के आपको कोऑर्डिनेट्स पता है 3,5, बी के भी आपको कोऑर्डिनेट्स पता है -4,1, ठीक है, तो ये आपको कोऑर्डिनेट्स पता है तो इसकी हम क्या कर सकते हैं स्लोप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पार्ट हमें पता है, तो ये बन जाएगी 5 -1 डिवाइडेड बाय 3 -2 -4, सही है। तो ये स्लोप आ जाएगी आपके पास 4/7। ये तो आगे इसकी बीसी साइड की, तो अब हमें पता है कि इस की स्लोप और ये जो इसको एम का नाम दे देते हैं, ठीक है, तो इस ए एम जो आल्टीट्यूड बन रहा है, सॉरी इसको मैं पहले रब करूं, इस पॉइंट को एम का नाम दे देते हैं, सही। तो ए एम जो आल्टीट्यूड है उसकी स्लोप बी सी की स्लोप कि प्रोडक्ट से लिया जाए तो इज इक्वल टू -1 होगी, जिस तरह से फिर वो इसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 होगा, तो इसकी स्लोप जो है आल्टीट्यूड की स्लोप ए एम की स्लोप, स्लोप ऑफ ए एम क्या हो जाएगी -7/4 आ जाएगी, ठीक है। वो परपेंडिकुलर वाले जो है प्रॉपर्टी हम स्लोप की यूज करेंगे तो हमारे पास जो है स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड ए एम -7/4 आ जाएगी, सही। अच्छा अब हम एक और आल्टीट्यूड की जो इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं बी सी के ऊपर और ए सी, ए सी ए सी ये है, इस आल्टीट्यूड की इक्वेशन फाइंड करते हैं, ठीक है, इसको एल का नाम दे देते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। तो बी एल आल्टीट्यूड की हम स्लोप फाइंड करते हैं तो वो कैसे आएगी, स्लोप ऑफ, देखें
ये सी की स्लोप और इसकी स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस वन होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो हम इसके लिए ए सी की स्लोप फाइंड करेंगे पहले। स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, ए पॉइंट हमें गिवन है -2.3, तो स्लोप ऑफ ए सी क्या आएगी हमारे पास, 5 -3 / -3 -2, ठीक है। मैं वही फार्मूला लगा रहा हूँ, y2 - y1 / y2 - x2 - x1, तो ये हमारे पास स्लोप आ जाएगी 2/5, सही है। तो ये आ गई स्लोप ऑफ ए सी, और स्लोप ऑफ ए एल क्या होगी, बी एल क्या होगी, इन दोनों का प्रोडक्ट स्लोप का इज इक्वल टू -1, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगा के स्लोप ऑफ ए एल आ जाएगी स्लोप ऑफ बी एल इज इक्वल टू -5/2, ये आ गई स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड, दूसरे आल्टीट्यूड की स्लोप। अच्छा देखें तो स्लोप्स हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है, स्लोप्स फाइंड कर चुके हैं, तो अब हम उनकी इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, उसी पॉइंट स्लोप फॉर्म से। देखें इसकी स्लोप हम, ए एम की स्लोप हम फाइंड कर चुके हैं, तो ए पॉइंट हम पुट करते हैं और ए एम की स्लोप हम यूज करते हैं, तो हमारे पास ए एम आल्टीट्यूड की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो एम इंटू होता है एम, एम जो है स्लोप इंटू x - x1 हम लेंगे 2 + 2 हो जाएगा, ठीक है, -2 था, x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू y - y1, y - 3 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 7x, जो इक्वेशन बनेगी 7x + 4y + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से ये हमारे पास इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ आल्टीट्यूड, कौन सा आल्टीट्यूड है, ए एम, ठीक है, ए एम आल्टीट्यूड हमने निकाल दिया उसकी इक्वेशन। अब इसी तरह से बी एल जो है उसकी हम इक्वेशन निकाल लेते हैं, बी एल की हम स्लोप फाइंड कर चुके हैं और बी पॉइंट हमें गिवन है, ठीक है, तो हम उसी फॉर्मूला में यूज पुट करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म में, तो स्लोप क्या है, -5/2 × x - x1, बी पॉइंट जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट -4 है, ठीक है, तो +4 हो जाएगा इज इक्वल टू y - y1, y1 जो है आपको गिवन है, ठीक है, ये 1 है, सही है, तो ये आ जाएगा y - 1। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 5x + 2y + 18 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई आल्टीट्यूड, इक्वेशन ऑफ आल्टीट्यूड, इक्वेशन ऑफ आल्टीट्यूड, ये एम थी और ये बीएल, ठीक है, दो आल्टीट्यूड की इक्वेशन आ चुकी हैं। अब हमने इनका कंकरेंट पॉइंट यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने फाइंड करना है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन ए कह दो, इसको इक्वेशन बी कह दो, सॉल्विंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, ठीक है, ए और बी हमने सॉल्व करना है। तो अब यहाँ से नाउ वी विल सॉल्व इक्वेशन ए एंड बी, तो कैसे सॉल्व करते हैं, जिस तरह से इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -34/3 और वाई की वैल्यू आ जाएगी 58/3, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई एक्स और वाई की, जो के कोऑर्डिनेट्स हैं और तो सेंटर के, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से -34/3, 58/3, सही, तो ये बन गए हमारे पास ऑर्थो सेंटर, इसको हम लिख सकते हैं यू ऑर्थो सेंटर, सही। तो ये हमें इस पार्ट में रिक्वायर्ड था, ऑर्थो सेंटर के पॉइंट्स जो कि ये है हमारे पास ये, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ चुके हैं, ये हमने इस पार्ट में फाइंड करने थे,
जो कि हम फाइंड कर चुके हैं, जो कि कोऑर्डिनेट्स हमारे 34 डिवाइडेड बाय 3 और 58 डिवाइडेड बाय 3, ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट।